भाई पीछे थोड़ा सा बात ना करें प्लीज। सभी हमारे मीडिया के साथीगण, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी, प्रभाकर जी, दिनेश जी, हमारे पूर्व विधायक मंताराम वाल्मीकि जी, भाई डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, हमारे दीपक धनखड़ जी, यूथ हमारे स्टूडेंट्स के प्रभारी और इंचार्ज, भाई विवेक लांबा जी और नवदीप जी और तमाम साथीगण, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हैं हम सब साथी। आज मुख्यतः जो अरविंद केजरीवाल जी का एक संकल्प है, सपना है, मिशन है कि हमें इस भारतवर्ष को दुनिया का नंबर एक देश बनाना है। 130 करोड़ लोगों की जो हमारे नागरिक हैं, हमारी आबादी है, उसको जो उसका पोटेंशियल है वो सही दिशा में लगे, ताकि ये देश महान बने, शक्तिशाली बने, दुनिया के अंदर हमारे लोग जाकर के इस देश का नाम रोशन करें हर क्षेत्र में, जो अभी तक 75 साल में जिस तरीके से होना चाहिए था नहीं हुआ, उसी को देख करके उन्होंने एक मुहिम शुरू ये करी, पिछले दिनों दिल्ली से लॉन्च हुई, और हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जहां पर वो किसी स्टेट में जाकर के इसको लॉन्च करेंगे, और धीरे धीरे ये पूरे ऑल इंडिया इसकी लॉन्चिंग होगी। इस मुहिम के साथ पूरे देश को जोड़ने का उनका मकसद है, क्योंकि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमें इसके लिए काम करना होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हम इस पार्टी में हैं, उस पार्टी में हैं, पार्टी विचारधारा ये एक अलग मामला है, लेकिन जब देश की बात आती है तो सबको उसके लिए मिलकर के प्रयास करने चाहिए। और इसलिए जब उन्होंने लॉन्चिंग की उस समय भी ये बात कही कि जो भी साथी हैं इस मुहिम में, किसी भी पार्टी के हों, लेकिन जब देश की बात आए अच्छे सुझाव दें और मिलकर के हम ये देश बनाने का काम करेंगे। और देश जब बनेगा, जब अलग अलग प्रदेश शक्तिशाली होंगे, उन प्रदेशों के अंदर अच्छा नेतृत्व होगा, उन प्रदेशों के अंदर जो पिछले 75 वर्षों में जो समस्याएं जिससे ये देश ग्रसित है, जिससे वो प्रदेश ग्रसित हैं, उन समस्याओं का समाधान निकलेगा। तो उसी लॉन्चिंग को लेकर के वो हिसार की धरती पर आ रहे हैं, हिसार उन्होंने चुना है, आदमपुर भी जाएंगे। तो मैं सभी साथियों से, पूरे हरियाणा वासियों से अनुरोध करूंगा कि उनकी इस मुहिम का हिस्सा बने। एक टोल फ्री नंबर भी उसमें जारी किया जाएगा, उसके साथ जुड़े और अपने बहुमूल्य अमूल्य सुझाव दे करके, ये जरूरी नहीं कि किसी ने राजनीति करनी है तो ही वो इस मुहिम के साथ जुड़ सकता है। इसमें देश के हर भारतवासी के योगदान की हमें अपेक्षा है, और उसकी तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। वो पहले दिन जब 7 तारीख को आएंगे तो युवाओं के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे। ये दुर्भाग्य की बात है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की डिस्ट्रिक्ट की छोटी छोटी मीटिंगें यूनिवर्सिटी के प्रांगण में होती हों, वहां दो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, एक पार्टी के मुखिया आ रहे हैं और नौजवानों से इंटरेक्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो हमने यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम उनसे रिक्वेस्ट करी थी, जिसको उन्होंने डिनाई कर दिया। हमारे साथियों ने वो प्रोटेस्ट भी किया है, और आगे अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को वो देंगे तो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि जब हमें डिनाई हो सकता है तो औरों को भी उसके अंदर कोई अधिकार नहीं है, या तो वो सबके लिए हो या किसी के लिए ना हो। तो 7 को वो नौजवानों और स्टूडेंट से इंटरेक्शन करेंगे, उसके बाद जो महत्वपूर्ण पार्टी के लीडर साहिबान हैं पूरे हरियाणा से, उनके साथ अलग अलग चर्चा होगी जोन वाइज, कुछ और प्रबुद्ध लोगों से मिलेंगे, कुछ और उनकी विजिट्स रहेंगी, कुछ साथियों से उनको और मिलना है, और अगले दिन तिरंगा यात्रा के माध्यम से आदमपुर मंडी के अंदर यात्रा के समापन के मौके पर एक बड़ी जनसभा रैली को संबोधित करेंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी आएंगे। तो मैं तो यही सभी साथियों से कहूँगा कि ये देश, ये हरियाणा जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक इसमें आम जनता की, आम आदमी की भागीदारी नहीं होगी,
साधारण लोगों को इसमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, और उसके लिए हम उनके सहयोग की, क्योंकि आज जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं आप सबने देख भी लिया है, केवल बड़े बड़े वायदे करती हैं लेकिन वायदों के बाद चुनावी जब मामला निकल जाता है, सरकारें बन जाती हैं, उन वायदों को भूल जाते हैं और इसीलिए फिर लोग उनसे विमुख भी हो जाते हैं। अभी कैथल में आपने देखा सबने, कैथल के अंदर जेपी नड्डा जी आए, कुर्सियां खाली पड़ी रही, एक मंडी का शेड नहीं भर पाए, तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है हम तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी है तो उसका क्या हाल होगा। तो दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी का जब अध्यक्ष आता है तो कुर्सियां खाली रहती हैं, और जब अरविंद केजरीवाल इस हरियाणा की धरती पर आएंगे तो आप उस दिन देख लेना कि क्या होगा। कल दिल्ली के अंदर कांग्रेस की हल्ला बोल रैली थी, और उस हल्ला बोल रैली में हरियाणा की जिस तरीके से पहले कांग्रेस की जो भी रैली हुई दिल्ली के अंदर हरियाणा की सबसे ज़्यादा भागीदारी होती थी, लेकिन कल की रैली में बोल रहे हैं कि सिर्फ 8,000 हरियाणा की तरफ से लोग आए थे। 8,000 तो ये कह रहे हैं, मुझे लगता है 8,000 भी नहीं गए होंगे, क्योंकि उसी समय बाई चांस मुझे भी दिल्ली से आना था और रास्ते में कोई गाड़ियाँ घोड़े किसी तरीके की कोई सुख भुगाट, मुझे नहीं लगता कि हिसार से भी कोई बहुत ज़्यादा, आप तो पत्रकार साथी हैं सबके ऊपर आप भी नज़र रखते हैं, पैनी नज़र रखते हैं, तो आप भी इस बात को महसूस करते होंगे कि जो भागीदारी होती थी, और वो इसलिए होती थी कि हमारे जैसे लोग संघर्ष कर रहे थे, तो संघर्ष करने वाले बचे नहीं, बेईमान गद्दार लोग वहाँ पर बैठे हैं, पार्टी को अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो इसलिए हल्ला जो बोलना है, मैं समझता हूँ कि जनता की तरफ से आज की सरकार की नीतियों के ऊपर हल्ला बोलना पड़ेगा, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, और उसके लिए हम जनता से आह्वान कर रहे हैं कि आइए इस आम आदमी पार्टी को, जो आम आदमी के लिए बनी है, जो एक जन आंदोलन है, इसके हिस्सेदार और हम कदम बन करके केजरीवाल जी के साथ हम आने वाले समय में प्रदेश में एक अच्छा राज स्थापित करें, वो राज जो इस देश को दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र बना सके, जो आज से 300 साल पहले पूरी दुनिया के जीडीपी में 25% हिस्सेदारी इस भारतवर्ष की थी, लेकिन आज आप देख लीजिए कितनी हिस्सेदारी है। आज महापूंजीपतियों के बारे में सोच रहे हैं, अडानी दुनिया का नंबर एक आदमी कैसे बने इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है, और कोई प्लानिंग नहीं है। 609वें स्थान पर 2014 में जो व्यक्ति था आज वो नंबर 3 पे आ गया, और 24 से पहले पहले उसको नंबर 1 पे लाने का लक्ष्य है। देश जाए भाड़ में, प्रदेश जाए भाड़ में, यहाँ के नौजवान को रोजगार मिले ना मिले कोई मतलब नहीं, यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा मिले कोई मतलब नहीं, स्कूल 105 बंद कर दिए, सब जगह धरना प्रदर्शन जारी है, हमारे साथी हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी सारे ग्रामीणों के साथ मिलकर के उसमें पूरी तरीके से मजबूती से भागीदार है। स्वास्थ्य की सेवाओं का क्या हाल है ये आप सबने देख लिया, उद्योग धंधे इस देश में आने की बजाय वो यहाँ से पलायन हो रहे हैं, निवेश जो पहले आता था निवेश में लगातार गिरावट आई है। तो ऐसी परिस्थिति में एक जो अल्टरनेट विजन और जो इस देश को आगे ले जाने का सपना है वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी के पास है, और इसलिए मैं आपसे भी और आपके माध्यम से तमाम हरियाणा वासियों से ये अनुरोध करूँगा कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा साथी वहाँ पर पहुँचे। 2 दिन तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री रहेंगे, खास करके आदमपुर उपचुनाव को लेकर के किसी नई बड़ी ज्वाइनिंग की। देखिए ज्वाइनिंग तो अभी हमारे भाई ये पीछे बैठे हैं ये भी करेंगे, बहुत से साथी उस दिन भी ज्वाइन करेंगे। तो जब हम ये कह रहे हैं कि भारत को इस हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए जो भी साथी अपना सहयोग देना चाहता है वो सब खुले तौर पे आमंत्रित हैं। उपचुनाव को लेकर कोई ऐसा, मैं वही कह रहा हूँ कि चुनाव तो इस बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है देश में अच्छा नेतृत्व तैयार करने के लिए, तो जो भी साथी इसमें जुड़ेगा, जुड़ने के लिए तो पूरा हरियाणा तैयार है, तो बड़ी छोटी सारी ज्वाइनिंग ही होंगी, सब होंगी। देखिए ये तो सब जानते हैं, पूरा हिसार जानता है, पूरा हरियाणा जानता है, चूरमा हलवा घी पूरी ये तो वो सारी सबके नाम की पहले ही खा चुके हैं,
अब हम खाने के लिए नहीं आए, हम तो बनाने के लिए आए, और इसलिए वोटों की जहाँ तक बात है, ये तो जब चुनाव होंगे तब समझ में आएगा। बहुत लोगों को गलत फहमियाँ होती है, और गलत फहमी तो बड़े बड़ों की दूर होती है, और बहम बड़े बड़ों का निकलता है, इस बार इनका भी निकल जाएगा। आदमपुर से जितेंद्र कुमार जी जो आपके साथी भी रहे हैं, क्या अभी तो बीजेपी में कुछ छोटे गए थे, क्या आम आदमी पार्टी में आने का संभावना है? सुनने में आया है कि कुछ आप लोगों से बातचीत चल रही है। सत्येंद्र जी, देखिए सत्येंद्र जी हमारे साथी हैं, मित्र हैं, भाई हैं, और मैं तो उनकी नहीं, मैं तो सभी की कह रहा हूँ, जो भी और साथी हैं, जो भी आना चाहे, ये तो अभी कोई उस तरह की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो भी साथी आना चाहेगा उन सबका स्वागत है, और उनकी योग्यता के अनुसार पार्टी उनको मजबूती भी देगी, आगे भी बढ़ाएगी। हम जनता के ऊपर विश्वास करके पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, और हमें ये विश्वास है कि जनता को जब मन बन जाता है कि नहीं, ये नेतृत्व ठीक है, इस पार्टी के नीतियाँ ठीक हैं, इसकी विचारधारा ठीक है, तो जनता भी उसी तरीके से मजबूती से साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। और दिल्ली और पंजाब इसका उदाहरण है कि दिल्ली का मॉडल वो पंजाब ने एक्सेप्ट किया, और पूरा देश का मॉडल, पूरे जो दिल्ली मॉडल है, इस मुहिम के साथ साथ वो भी पूरे भारत का मॉडल बनेगा, ये हमें पूरा यकीन है। आदमपुर से सोनाली फोगाट चुनाव लड़ चुकी हैं 2019 में, उनका परिवार आज दर दर की ठोकर खा रहा है कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में अभी तक कोई सीबीआई जांच की मांग नहीं की गई है, बट यू हैव टू से अबाउट दिस? नहीं, हमने तो पहले से, हमारी पार्टी ने तो बहुत क्लियर इसमें स्टैंड लिया है कि जिससे परिवार की संतुष्टि होती हो, अगर परिवार को ये लगता है कि जो अभी तक की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक दिशा में नहीं जा रही है, और सीबीआई या सिटिंग हाई कोर्ट के जस्टिस के माध्यम से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए जो भी उसका है, तो हम पूरे इस मांग के साथ हैं, और हम आज व्यक्तिगत तौर पर, पहले भी हमारे परिवार के सदस्य तो पहले भी गए हैं, और आज हम भी वहाँ पर उनके परिवार से मिलने जाएंगे, और लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट है और क्या अभी तक उनकी संतुष्टि हुई या और क्या चाहते हैं वो हमसे भी, हमारी पार्टी से भी, और हमारे नेतृत्व से वो भी बात करेंगे। सर, कुछ ऐसे मसले हैं जिसके सवाल पहले आपसे पूछा, पंजाब में जैसे चंडीगढ़ का मसला है, एसवाईएल का मसला है, उस पर अलग अलग स्टेट में जा करके आम आदमी पार्टी पार्टी के नेताओं को विचार देखिए, आम आदमी पार्टी समस्याओं के ऊपर राजनीति नहीं करती, हम समाधान की राजनीति करते हैं, और जो भी हमारे सामने अनसुलझे जो सवाल हैं उसका भी भविष्य में आम आदमी पार्टी समाधान करेगी, और मैं समझता हूँ कि पीछे भी, लेकिन ये तो मुद्दे जबरदस्ती बनाए हुए हैं। मामला पूरे देश को हम कैसे आगे मिल करके बढ़ा सके, सब प्यार प्रेम भाईचारे के साथ आगे बढ़े, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई विदेशी मुल्क है, ये भी पड़ोस का ही राज्य है, तो चीज़ें वार्तालाप से सारी चीज़ें उसका समाधान निकल सकता है। बाकी दोनों लीडर हमारे आएंगे तो आपके सवालों के जवाब वो भी देंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये है कि हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं, देश को नंबर एक बनाएं। देखिए, अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थिति होती है, और किन परिस्थितियों में क्या उनके वायदे थे वो तो बेहतर तरीके से वही बता पाएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारा काम समस्याओं का समाधान करना है, और आग में घी डालने का काम हम नहीं करते हैं, हम उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालने में, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे देश के अंदर जो एक डिवाइड क्रिएट करी गई है उसका मामला हो, या जो पुराने इस तरीके के मुद्दे चल रहे हैं उसका समाधान निकलेगा, और आपसी संवाद और बातचीत से ही निकलेगा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कह रही है बड़ी मजबूती के साथ वो अब तैयारी कर रहे हैं, एक दौर था जब अशोक तंवर भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, उस कांग्रेस में राज उदय रहा, कांग्रेस कितना अंतर मानते हैं, कितनी मजबूती? देखिए, वो अंतर का तो नतीजा आएगा 2024 में,
क्योंकि जो 6 साल का मेरा संघर्ष था उसकी बदौलत 15 से 31 सीटें हमने दिलवाई थी। 4 दिन पहले आए हुए लोग क्या किया उन्होंने, उन्होंने टिकट पैसे ले लेके टिकट बांट दी, बीजेपी से साठ गांठ करके टिकटें बांटी, नहीं तो आज सरकारी हरियाणा में कांग्रेस की होनी थी। उनका तो नतीजा ये था। जो अब का जो होगा वो तो अब दिख जाएगा आपको। पूरे हरियाणा में अभी तक डिस्ट्रिक्टों में तो विजिट हुई नहीं है इनकी, ना कोई जानता ना कोई पहचानता ना कोई मानता। वो खुद ही ये कह देते मैं तो वही रबड़ स्टैंप हूँ, मैं तो जिसने बनवाया है वो फैसला लेगा मेरा। अब जब खुद नेता ये कहते मैं रबड़ स्टैंप हूँ और मेरी स्टैंप ले जाओ और कहीं भी लगा लो, लेकिन करना वहाँ है, कोई उनको खड़ा हुआ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस की स्थिति आज क्या है। कांग्रेस का अभी मैंने रैली का जिक्र किया, पहले कांग्रेस की रैली के अंदर हरियाणा की पूरे देश में सबसे ज़्यादा भागीदारी होती थी, लाल पगड़ी गुलाबी पगड़ी ये पगड़ी वोट गांधी टोपी यूँ दिखता था। अब कहाँ गई बताओ, कुछ चर्चा ही नहीं है कहीं भी, रोडों पर ही कोई चर्चा नहीं है। मैं कल आया हूँ, ना कोई होर्डिंग ना बैनर ना कोई आना ना जाना, नहीं तो जाम ही जाम लग जाता था चारों तरफ। तो कांग्रेस का तो भविष्य जो है बहुत अंधकार में है, उनके पास केवल भूत भूत बचा है, ना उनका वर्तमान ठीक है और ना भविष्य ठीक है। इसलिए अच्छी सोच अच्छे नेतृत्व के साथ जुड़े और मेरी भविष्यवाणी सुन लेना कि कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ेगी आदमपुर के अंदर। मैंने वहाँ भी कहा था इलाहाबाद में, जमानत जब्त होगी थी, उस आदमी के 60,000 वोट आए हुए थे भाई बेनीवाल के। मैंने कहा था गलत पार्टी में फंस गए, यहाँ तो ये तो नीचे ही नीचे जो है मारेंगे तेरे को भाई। मिल गए थे एक दिन कैंपेन के दौरान, वही हुआ, तीसरे नंबर पे आए, जमानत जब्त हुई। और यहाँ भी कोई भी लड़ ले, कोई मतलब कोई जिसके गलत फहमी हो वो भी आ जाए, यहाँ तीसरे और चौथे नंबर पे कांग्रेस की लड़ाई होगी। सीधा सीधा जो है आम आदमी पार्टी जीतने की ओर अग्रसर है और मैं समझता हूँ कि मजबूत नेतृत्व के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अब तक की कार्य शैली और उनके आपके अभी तक का जो अलग कार्यकाल है, अगर नंबर देने पड़े तो 10 में से कितने नंबर आते हैं? किसको? उदय भान। नंबर देने का तो नंबर तो वो उसको देंगे ना जो एग्जाम में बैठेगा, ये तो एग्जाम में ही नहीं बैठे अभी, नंबर देने का तो मामला ही दूर है। इसका कारण आप क्या मानते हैं, उसमें कैपेबिलिटी नहीं है या फिर कहीं ना कहीं ये जिस तरीके के आरोप अलग अलग पार्टियों द्वारा लगाए जाते हैं? देखिए ये दुर्भाग्य है इस देश का और कांग्रेस का खास तौर पे। आज से 17 साल पहले एक बहुत बड़े नेता मेरे से मिले, वो इंदिरा जी की कैबिनेट में थे, किसी समय में वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। जब मैं बना तो उन्होंने मेरे को कहा कि अशोक जी आपको बधाई, उन्हीं का फ़ोन आया। मैंने कहा सर थैंक यू, बोले मैं दिल्ली आऊँगा तो आपके साथ लंच करूँगा, तो लंच पर हमारी मुलाकात हुई। बोले पहले की कांग्रेस अलग थी, आज की कांग्रेस बहुत अलग हो गई है। मैंने कहा कैसे जी? बोले पुराने समय में 6 फुट का आदमी जो है वो ये देखता था कि मैं 7 फुट के आदमी को ढूंढूं ताकि कांग्रेस बड़ी हो। बोले अब उल्टा हो गया है, 6 फुट वाला 5 फुट को ढूंढता है, 5 फुट वाला 4 फुटिये को ढूंढता है, 4 फुट वाला 2 फुटिये को ढूंढता है, वो 1 फुटिये को ढूंढता है, और वो ढूंढता है कि बस खत्म सिंह जो है वो मेरे नीचे आ करके और वो काम करे। तो आज वही स्थिति इस हरियाणा के अंदर है, देश के अंदर भी हुई है। और ये जो G23 गद्दार 23 है, ये मोदी जी की उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं कि या तो बिल्कुल कमज़ोर लोग वो रहे और अंदर अंदर इनको खोखला कर दे, और वैसे ही जो है अच्छा जो व्यक्ति है जो अपना भविष्य और देश का भविष्य संवारना और सुधारना चाहता है वो वैसे ही वहाँ पर नहीं जा रहा है। ये इस देश की राजनीति का एक बहुत कॉन्ट्राडिक्शन समझ लीजिए कि जो लोग चाहते हैं कई बार वो उस तरीके से आते भी नहीं है, लेकिन हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस देश के अंदर क्रिएट करेगी जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जो भविष्य में पूरे देश में एक मजबूत नेतृत्व तैयार करेगा, और मजबूत नेतृत्व होगा तो देश मजबूत होगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथियों से प्रभाकर जी। हाँ देखिए जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो ऐसा तो है नहीं कि जब ज्ञान नहीं था, देखिए ये समय के साथ होता है। अब ऐसा तो प्रदेश अध्यक्ष था, बहुत सी चीजें ऐसी होती है। उस समय नई नई सरकार आई थी आम आदमी पार्टी की, बहुत से आम आदमी पार्टी भी
अपने उन्होंने भी मॉडल वो तैयार किया, उनको सरकार दिल्ली की कॉपरेट नहीं कर रही थी। व्यक्ति को पार्टी को पैर जमाने के लिए समय लगता है, उसके बाद उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, लोगों ने पंजाब के लोगों ने उसके ऊपर मोहर लगाई, अब हरियाणा वाले भी लगाएंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं ये कहूँगी हाँ भाई मेरे को सारा नॉलेज है, मेरे को भी अब कांग्रेस के बारे में बहुत सी चीज़ें मेरे को ज्ञान नहीं था, मेरे को जब ज्ञान हुआ तो ऐसे ही देश की राजनीति के बारे में, मैंने मेरे को ये तो ना पता था कि ये सारे लोग आपस में सेटिंग करके चुनाव लड़ते हैं। अगर ये मेरे को पता होता या तो मैं उसी लाइन में होता या मैं पहले से इनके विरोध में खड़ा हो जाता। हमने कांग्रेस क्यों छोड़ी, बीजेपी के साथ मिलकर टिकटें बांट रहे थे सारी, बोले तू मेरे को बचा मैं तेरे को बचाऊंगा। आज 8 साल से बता दो कौन सा जेल में गया कांग्रेस का आदमी, और बीजेपी के कितने भ्रष्टाचार के मामले उन्होंने उजागर किए। कोई भी मामला भ्रष्टाचार पे तो बोलते ही नहीं अगले, क्योंकि खुद लाख लाख करोड़ रुपए के हजारों करोड़ रुपए के उन्होंने भ्रष्टाचार किए, वो क्या बोलेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ी, वो कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित छोड़ी, आपको क्या लगता है। प्रधानमंत्री की कौन सी नीति की किसानों के खिलाफ 3 काले कानून पास कर दिए, प्रधानमंत्री की कौन सी नीति की भाई झूठ बोल करके जो है कि 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार एक का भी नहीं दिया, आज 27 करोड़ बेरोजगार इस देश के अंदर तैयार कर दिए। प्रधानमंत्री की कौन सी नीति, केंद्र के पाले में अभी SYL का मामला है, वो तो 6 साल से प्रधानमंत्री ने हरियाणा के लोगों को टाइम ही नहीं दिया मिलने के लिए। हम तो उस ऑल पार्टी मीटिंग में भी थे जिसमें मुख्यमंत्री जी ने 2016 में बनाया, उसके बाद हम राष्ट्रपति से मिल लिए, हम होम मिनिस्टर से मिल लिए, सबसे मिल लिए थे उस समय, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं, उनकी कौन सी नीति से, झूठ नीति से प्रभावित है क्या। अगर झूठ नीति से प्रभावित है तो झूठ नीति का तो अंत होगा, क्योंकि सत्य में जीत है, सत्य की जीत होती है और झूठ